रहे हैं कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो भी काउंसलिंग का प्रक्रिया चल रहा है, फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों को कॉलेज मिला है वो बच्चे अभी डीवीसी कराने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जाने वाले हैं 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख के बीच में। तो जिसमें बहुत सारे बच्चे डीवीसी कराने जा चुके हैं और डीवीसी कराने के बाद ही फीस पेमेंट होगा और फीस पेमेंट करने के बाद आपका फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो चलिए आज मैं आप लोगों को फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन के बारे में और डीवीसी कराने के बाद फीस पेमेंट करने के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, आईडी ये सब डालेंगे तो फिर देखिए सब डिटेल हमारा ओपन होते जाएगा। और जैसे ये सारे डिटेल हमारा ओपन होगा तो फिर सबसे पहले हम जाएंगे एडमिशन फी, पेमेंट, फ्रीज, फ्लोट, कन्वर्जन, ये सारी चीज़ की डिटेल में जब हम जाते हैं उसके बाद फिर देखिए नीचे और लिखा है सीट कन्फर्मेशन, सीट विड्रॉल, अप्लाई फॉर नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग, कोर्स रजिस्ट्रेशन कार्ड, एग्जामिनेशन फीस, ये सारा डिटेल हमारा दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले जाना है एडमिशन फीस पेमेंट फ्रीज फ्लोट कन्वर्जन में। और जैसे ही हम लोग, और इसका लास्ट डेट जो दिया है 5/12/2021 का दिया है, और एक सीट कन्फर्मेशन लेटर हम पहले निकाल के लेकर के रायपुर गए थे डीवीसी कराने के लिए और वहाँ पे डीवीसी करा करके आए हुए थे। पहले हम लोग एडमिशन फीस, फीस पेमेंट, फ्रीज फ्लोट का या जो कन्वर्जन काउंसलिंग है इसे सबसे पहले क्लिक करते हैं। और जैसे ही उसे हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा बच्चे का सारा डिटेल जो दिख गया यहाँ पे। सबसे पहले नोट लिखा है, यदि अभ्यर्थी किसी भी कारण हेतु निर्धारित समय सीमा तक आवंटित महाविद्यालय हेतु निर्धारित फीस का भुगतान करने में असफल रहता है तो उसे आवंटित महाविद्यालय की सीट समय सीमा समाप्त होते ही स्वतः निरस्त कर दी जाएगी। जी हाँ, यदि आप समय रहते फीस पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका जो कॉलेज मिला है वो कॉलेज स्वतः ही कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए फिर सबसे पहले हम लोग बेसिक डिटेल की तरफ जाते हैं। और देखिए यहाँ पे बेसिक डिटेल, सारा चीज़ डिटेल पहले से ऑलरेडी भरा हुआ है, सीट अलाटमेंट में सब सब चीज़ डिटेल ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे वन टाइम जो सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फीस है 660 रुपये, ये वन टाइम लगेगा। और उसके बाद फिर नीचे देखिए लिखा हुआ है कि सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फीस ये है आपका 5,625 रुपये, टोटल जो फीस है 6,285 रुपये है। और ये टोटल हमारा जो फीस है 6,285 रुपये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जमा करना पड़ेगा। तो प्रोसीड टू पेमेंट में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आर यू श्योर करके ऑप्शन आएगा, ओके करेंगे। फिर यहाँ पे पेमेंट कन्फर्म करने का ऑप्शन आएगा, जैसे ही पेमेंट हम लोग कन्फर्म करते हैं 6,285 रुपये, उसके बाद हमारे पास नेट बैंकिंग का, डेबिट का, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आएगा। इसे जैसे ही हम डेबिट कार्ड में क्लिक करते हैं इसको कंफर्म करने का ऑप्शन आएगा। और जैसे ही हम लोग कंफर्म करेंगे तो फिर सारा जो एटीएम का है, सारा जो डिटेल रहता है वो सारा डिटेल पूछा जाएगा। देखिएगा यहाँ पे सर्वर भी बहुत स्लो चलता है, जैसे कि अभी स्लो चल रहा है। फिर कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, CVV, टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, ये सारा चीज जैसे ही हम लोग डिटेल डालेंगे उसके बाद जो है पे का ऑप्शन करेंगे, तो पे करेंगे तो हमारे पास OTP आएगा। फिर हम लोग उस OTP को डालेंगे और जैसे ही हम लोग उस OTP को डालेंगे तो फिर हमारे पास पेमेंट सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मोज़िला और फायरफॉक्स में आप लोग फायरफॉक्स को यूज़ करिएगा, मोज़िला को यूज़ मत करिएगा, क्योंकि फायरफॉक्स में ही अच्छे से आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो पाएगा। कई बार हम लोग भी पेमेंट एक बार किए गुड़िया का तो पेमेंट फेल्ड आया था, लेकिन दोबारा जब पेमेंट किए तो देखिए यहाँ पे लिखा है पेमेंट सक्सेसफुल करके। और जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैंक का कौन सा बैंक से हुआ है, 6,285 रुपये कम्प्लीटली सक्सेसफुली, स्टेटस डिटेल में, और स्टेटस में सक्सेस लिखा हुआ है। इसमें देखिएगा कई बार जब आप लोग PAT का फॉर्म भरे हैं वहाँ पे भी कई लोगों के बच्चे में पेमेंट जो सक्सेस में लिखा करके फेल्ड लिखाया था, जिसकी वजह से एडमिट कार्ड नहीं आ पाया था। कई बार आप लोग जब काउंसलिंग का फॉर्म भरे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का, तो उस समय भी आप लोग को लगा कि पेमेंट सक्सेस हो गया, अकाउंट से पैसा कट गया था, लेकिन फेल्ड आया था, जिसकी वजह से आपको जो कॉलेज मिलना था आज वो कॉलेज नहीं मिल पाया था। इसलिए ये गलती अभी भी बच्चों आपको नहीं करना है, कन्फर्म अपने आंखों से एक बार चेक करके देखिएगा कि आपका पेमेंट सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि सक्सेस नहीं हुआ है तो सक्सेस कराइए।
और सक्सेस हो गया है तो फिर आगे आप स्टेप में बढ़िए। अब 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 3 दिन तक का मैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के में उपस्थित रहूंगा। यदि आप लोग को पेमेंट कराना हो तो मैं वहीं रहूंगा, डायरेक्ट मेरे से पेमेंट करा सकते हैं। आप लोग को फोटो कापी कराना, कुछ भी सीट कन्फर्मेशन कराना रहा, फ्रीज प्लॉट कराना रहा, कुछ भी आप लोग का काम रहेगा सारा काम हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रीज और फ्लोट का आगे हम लोग डिटेल में जब जाएंगे फीस पेमेंट करने के बाद। और जैसे ही हम लोग फीस फ्लोट और कन्वर्जन काउंसलिंग में जाएंगे तो फिर यहाँ पे देखिए इनवैलिड रिक्वेस्ट आ रहा है, क्योंकि सर्वर जो देखिए बार बार एरर आ रहा है, सर्वर बार बार डाउन हो रहा है, फिर भी हम लोग दोबारा ट्राई करते हैं। और जैसे ही हम लोग देखिए दोबारा ट्राई करेंगे तो फिर हमारा जो फीस जो है पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। और जैसे हमारा फीस पेमेंट जो सक्सेसफुल होगा, जैसे देखिए हमारा पेमेंट सक्सेसफुल होता है, फिर उसके बाद नीचे फ्रिज फ्लोट में फ्रिज का ऑप्शन आता है। चूंकि गुड़िया के में फ्रिज का ऑप्शन इसीलिए आया क्योंकि इनको पहले नंबर का जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है वो प्राप्त हो चुका है, इसीलिए इसके में फ्रिज का ऑप्शन आया है। इसमें आगे डिटेल लिखा है, इस ऑप्शन का अर्थ है यदि अभ्यर्थी प्राप्त महाविद्यालय से वह संतुष्ट है और वह आगामी चरणों की काउंसलिंग में भाग नहीं लेना चाहता है तो उसे फ्रिज ऑप्शन का चयन करना होगा और कन्फर्म बटन को क्लिक करना होगा। तो देखिए इसके पास फ्रिज का ऑप्शन है इसलिए इनके में एक ही ऑप्शन है क्योंकि इनको सिर्फ रायपुर कॉलेज मिल रहा है। यदि आपको दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नंबर का कॉलेज मिलता है तो आपके पास दो ऑप्शन आएगा, पहला फ्रिज का आएगा, दूसरा फ्लोट का आएगा। फिर आप वहां पे फ्रिज न करके आप वहां पे फ्लोट करिएगा और जैसे ही आप फ्लोट करेंगे तो फिर आप नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे डाउनलोड एडमिशन स्लिप में जब हम जाते हैं बच्चे का तो यहाँ पे एडमिशन जो स्लिप है वो डाउनलोड हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोविजनल एडमिशन लेटर यहाँ पे लिखा है, अस्थाई प्रवेश पत्र लिखा हुआ है यूजी एडमिशन 2021-22 के लिए। और जैसे कि सारा डिटेल इनका यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा और देखिए हम लोग सारा डिटेल दिख रहा है यहाँ पे, सारा डॉक्यूमेंट बच्चे ने अपलोड करा चुका है। जब डॉक्यूमेंट हम लोग वेरिफिकेशन करा लेंगे उसके बाद ही पेमेंट होगा और पेमेंट होने के बाद ही आपको फ्रिज और फ्लोट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो ये फॉर्म जो है आप लोग अच्छे से भरिएगा और आप लोगों की मदद करने के लिए तारीख को 3 दिन हम लोग इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आप लोगों की मदद करने के लिए उपस्थित रहेंगे। आप लोगों का जो भी मदद लगेगा सारे बच्चों का एक एक मदद करेंगे और बहुत अच्छे से मदद करेंगे। तो जिन बच्चों का आज 1 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है उन बच्चों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आप लोग 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 3 दिन और समय है, आप लोग रायपुर जा करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। चूंकि सारे बच्चों का एक ही दिन इसीलिए नहीं बुलाया गया था क्योंकि कोरोना की काल है और कोरोना काल में आप लोग सिर्फ बच्चे लोगों को ही काउंसलिंग के अंदर जाने दिया जाएगा, पेरेंट्स लोगों को काउंसलिंग के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद बच्चे का जो है डिटेल का प्रिंटआउट ले लेंगे। तो आज का ये वीडियो अगर हम लोग आप लोगों को अच्छा लगता है तो सभी बच्चे हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए क्योंकि ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। थैंक यू सो मच।